आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट अरसलान शेरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 3 की क्लास नंबर 21 है आज। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो थर्मल प्रिंटर और इसके साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रो थर्मल प्रिंटर को, कि इलेक्ट्रो थर्मल प्रिंटर क्या होता है। एन इलेक्ट्रो थर्मल प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर डैट यूजेज हीटेड मीन्स टू बर्न इमेजेस ऑन द हीट सेंसिटिव पेपर। ये प्रिंटर की एक ऐसी किस्म है जिसमें गर्म पिनों से गर्म सास का कागज पर इमेजेस बनाए जाते हैं। दीज टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर कॉमनली यूज्ड कैलकुलेटर्स एंड फैक्स मशीन। इस किस्म के प्रिंटर कैलकुलेटर और फैक्स मशीनों में इस्तेमाल होते हैं। दे आर इनएक्सपेंसिव एंड प्रिंट रिलेटिवली फास्ट बट प्रोड्यूस्ड लो रेजोल्यूशन प्रिंट। ये प्रिंटर कीमत में सस्ते और प्रिंट करने में तेज रफ्तार होते हैं, लेकिन इनकी प्रिंट की रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो वैसे इस टाइम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी इमेज भी नज़र आ रही होगी, ठीक है, जो कि एनिमेटेड इमेज है। किस तरह से ये प्रिंट करता है ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा इस टाइम। और इस तरह की चीज़ें आपने ज़्यादातर जो आजकल हमारे जहाँ पे हम लोग पार्किंग वगैरह करते हैं वहाँ पे जो हमें टोकन मिलता है वो भी कुछ इसी तरह से आजकल बनाया जाता है। उनके हाथों में भी आप ये मशीन देख सकते हैं, इसी को इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ें हमें मार्केट्स वगैरह में, बड़े स्टोर्स में जहाँ पे हमारे बिल बनते हैं उन बिल्स में भी आपने इनको देखा होगा, सेम ये इसी तरह से काम करते हैं। तो इसी के साथ व्यूअर्स इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर यूज़ अ स्पेशल फोटोग्राफिक पेपर डैट अलाउस करेक्टर्स टू एच्ड ऑन टू द पेपर यूजिंग अ स्टाइलस। इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर में करेक्टर्स एक पेन से कागज़ पर नक्श किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर के अंदर करेक्टर्स के साथ पेन होता है, उसके ऊपर करेक्टर्स लिखे होते हैं, उनके साथ आप कागज़ के ऊपर उन चीज़ों को नक्श करते हैं यानी कि लिखते हैं। द स्टाइलस इज मेड अप ऑफ टीनी वायर्स एंड फॉर्म्स करेक्टर्स बाय प्लेसिंग ऑन एन इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज्ड इमेज ऑन द पेपर। ये पेन छोटी छोटी तारों से बनाया जाता है। जब हम बरकी बार वाले इमेज को कागज़ पर रखते हैं तो इससे करेक्टर बन जाते हैं। Then, as the paper is moved through a solution containing ink particles, the ink adheres to the charges that form a pattern paper to develop the image. जब इस कागज़ को ऐसे महलूल जिसमें स्याही डाली जाती है से गुजारते हैं तो स्याही चार्ज शुदा इमेज से चिपक जाती है जिससे कागज़ पर एक पैटर्न बन जाता है। This type of printer can be used for both printing and plotting, displaying graphic output and can print more than 5000 lines per minute. इस किस्म के प्रिंटर को प्रिंटिंग और ग्राफिक काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रिंटर एक मिनट में 5000 लाइन से ज़्यादा प्रिंट कर सकता है। यानी कि इस प्रिंट को बेसिकली व्यूअर्स बनाया गया है हमारी जो फोटोग्राफी वाली इमेजेस होती हैं जो कि हम कैमरे से खींचते हैं, ये उनको बहुत अच्छी तरह से बना सकता है, उनको इमेज को बहुत अच्छी तरह से प्रिंट करवा सकता है, ठीक है। इसके अंदर पेंस लगे होते हैं, पेंस के ऊपर के अंदर से स्याही निकलती है जो कि स्याही के ज़रिए हमारी जो कलर प्रिंट होता है, जो इंक होती है, स्याही जाहिर सी बात है जो इंक होती है उसके साथ वो हमारे उस कागज़ के ऊपर लगती है और वो कागज़ के ऊपर वो इमेज बना देती है जो कि हमने उसे इस इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर को कमांड देते हैं। तो इसी के साथ व्यूअर्स आज की हमारी क्लास खत्म हुई। अगर आज की क्लास के वाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ।